हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए आलू मटर टिक्की बनाने वाले हैं। ये टिक्की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और फटाफट बन जाती है। आप इसे चाट के साथ यूज़ कर सकते हैं या बर्गर में लगा सकते हैं, नहीं तो आप केवल इस टिक्की को चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ मैंने बॉयल मटर लिया है। ये फ्रेश हरी मटर है जिसे मैंने 5 मिनट उबाल लिया है। ये 1 कप है। और मैंने यहाँ 2 हरी मिर्च को रफली काट लिया है। इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ पीस लेंगे। इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैंने एक बाउल में 1 कप कद्दूकस किया हुआ आलू लिया है। ये उबला आलू है। अब इसमें हम पिसा हुआ मटर डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। 1 बड़ी प्याज को मैंने बारीक काट कर डाला है। हरी धनिया डालेंगे थोड़ी सी इसमें। आप पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच सूजी डालेंगे। 2 बड़े चम्मच मैदा। यहाँ मैंने पतला वाला चूरा लिया है। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसे हम तोड़ कर डालेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में इसे पीस कर डालें। ये भी 2 बड़े चम्मच है। आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो इसे ना डालें। नमक स्वाद के अनुसार, तो मैंने यहाँ 1 चम्मच के लगभग डाला है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे और एक डो बना लेंगे। हाथ पर मैंने हल्का सा तेल लगाया है। अब हम टिक्की बनाएंगे। तो यहाँ मैंने आलू और मटर का जो डो तैयार किया था उसे थोड़ा सा लिया है और मैं यहाँ टिक्की बना रही हूँ। टिक्की को हम एकदम फ्लैट नहीं करेंगे, हल्का सा साइड से चौड़ा रखेंगे। तो ये टिक्की बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह टिक्की बनानी है। इसी तरह हम सभी टिक्की को बना लेंगे। तो यहाँ सारी टिक्कियाँ तैयार हैं फ्राई होने के लिए। फ्राई पैन में मैंने तेल को गर्म कर लिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। अब हम इसमें सभी टिक्कियाँ डालेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट लगता है एक साइड से लाल होने में। तो आप इसे बीच बीच में हिलाते रहें और अच्छे से फ्राई करें। इसे अब हम पलट देते हैं। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई में ये जल्दी फ्राई हो जाती हैं और दोनों साइड से एक ही बार में ये लाल हो जाती हैं। तो एक बार ये टिक्की दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गई है, हम एक बार फिर से पलटेंगे और इसी तरह हम एक बार और पलटेंगे और दोनों साइड से 2 बार फ्राई करेंगे। इस तरह फ्राई करने से टिक्की बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो यहाँ जो आलू मटर की टिक्की है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसकी चाट बना सकते हैं, बर्गर में यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो केवल चटनी के साथ इसे सर्व करें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी सभी रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू।